स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आई में मैं हूं आपका दोस्त राहुल दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं विच इज कनेक्टेड टू साइबर डोमेन इनफैक्ट हम लोग एक सवाल उठाने वाले हैं। सवाल है कि व्हाट डू वी वांट हमें क्या चाहिए डू वी वांट साइबर एनआर और डू वी वांट साइबर ऑर्डर अगर आप सोच रहे हैं सर साइबर ऑर्डर बेटर रहेगा तो हम लोग बात करेंगे इस साइबर ऑर्डर को अचीव करने में हमें क्या दिक्कतें आ रही है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है इन टर्म्स ऑफ साइबर डोमेन क्या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है क्या कुछ कोई इंटरनेशनल रूल्स है कोई इंटरनेशनल लॉ है किस तरह के इंटरनेशनल नॉर्म्स बने हुए हैं फॉर साइबर डोमेन ये भी हम लोग चर्चा करने वाले इनफैक्ट हम लोग इस डिस्कशन के अंत में बात करेंगे वॉट इज द फ्यूचर ऑफ साइबर ऑर्डर ऑल्सो दोस्तों हम सभी लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के एरा में रह रहे हैं अगर आप इंडिया की बात करें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम रन हो रहा है यानी कि हर दिन आपके मोबाइल सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं हर दिन आपके इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में बात करें करोड़ों मोबाइल सब्सक्राइबर्स करोड़ों इंटरनेट यूज़र्स हैं अगर हम लोग दो देशों की बात करें एक तरफ इंडिया को रखें एक तरफ चाइना को रखें दोनों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंडिया और चाइना में क्या कोई अलग अप्रोचेस है इन गवर्निंग दर इंटरनेट ऑफकोर्स देर इज़ हम लोग इस डिस्कशन में अलग अलग अप्रोचेस की भी बात करेंगे फॉर साइबर ऑर्डर और फॉर साइबर गवर्नेंस राइट अगर अब आपको लग रहा है सर साइबर एन शुड बी द फीचर ऑफ इंटरनेट इज इन इट क्योंकि हम लोग कहते हैं इंटरनेट शुड भी ओपन इंटरनेट शुड भी फ्री लेकिन जिस तरह से डिजिटल इरा में हम लोग आ चुके हैं साइबर एनआर की इज ऑल्सो लीडिंग टू मैनी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लाइक दीज राइट प्रॉब्लम्स लाइक साइबर क्राइम इनफैक्ट जब से पैंडेमिक आया तब से ये कहा जाता है कि छह सौ प्रतिशत साइबर क्राइम्स बढ़ चुके हैं साढ़े तीन सौ प्रतिशत रैनसम वेयर अटैक्स हो चुके हैं सिक्सटी परसेंट से भी ज्यादा आपको सर्वर मैसेज प्रोटोकॉल ब्लॉक हो चुके हैं सर्वर मैसेज आपके ब्लॉक हो चुके हैं सर्वर्स डाउन किए गए सर्वर्स आप जानते हैं किसी और देश में कहीं और सर्विस चल रही है इनफैक्ट हर दिन या फिर हर ऑल्टरनेट डे हम लोग इस तरह की खबरें जरूर दे सकते हैं रैंसम अटैक्स साइबर एनआर अगर रहेगी तो एवरीबडी कैन डू वट दे वॉन्ट इलेक्शन इंटरफरेंस इनफैक्ट 2016 में हम लोगों ने देखा रशियन इंटरफरेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन राइट इलेक्शन इंटरफरेंस की प्रॉब्लम होती है कॉर्पोरेट स्पराज की प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ प्रॉब्लम जैसे आपने देखा होगा कई बार रशिया हैज़ टू साइबर अटैक्स इसराइल ने अटैक किया था ईरान की फैसिलिटी के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रिक ग्रिड को आप बेसिकली मैन फंक्शन कर दोगे या फिर उसको फंक्शनिंग रोक दोगे उसको उसके ऊपर कंट्रोल ले या फिर उनकी सर्विस के ऊपर अटैक करके उन्हीं को सर्विस नहीं दोगे डनाइल दोगे साइबर फाइनेंशियल थ्रेट्स साइबर फिशिंग एट्सेट्रा लिस्ट बहुत लंबी है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर साइबर एन की प्रॉब्लम तो है ही है बट अगेन फंडामेंटली इंटरनेट शुड बी फ्री एंड ओपन दैट मीन्स एन होना चाहिए बट सम लेवल ऑफ रेगुलेशन इज़ रिक्वायर्ड इस चीज़ को रोकने की जरूरत है इजन इट अब इस चीज़ के लिए क्या कोई इंटरनेशनल लॉ है

इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं है देशों ने अपने बॉर्डर बना दिए हैं, लेकिन इंटरनेट का कोई बॉर्डर नहीं है।, law, हम जो है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं लार्जली इसका आंसर होगा नो no. अब आप सोच इंटरनेशनल लॉस हैं सर, क्यूं? वाई? क्यूं? जो है, या फिर कहूंगा जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेटअप हुई है इट इज बेस्ड ऑन एक्टर्स मोस्टली स्टेट सेंट्रिक एक्टर्स के ऊपर लेकिन जब हम लोग इंटरनेट की बात करें जब हम लोग साइबर डोमेन की बात करें यहां पे आपको मेजर एक्टर्स कौन है मेजर एक्टर्स और आर नॉन स्टेट एक्टर्स स्पेशली मैं कहूंगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे भी जो बिग टेक हम लोग बात करते हैं दे हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर हियर अब उन्हें कैसे रेगुलेट करें राइट अब देखिए दो देशों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन अगर कंपनीज के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो देन क्या राइट दैट्स वाई एक्टर्स हैव टर्न इनटू नॉन स्टेट एक्टर्स राइट स्टेट एक्टर्स टू नॉन स्टेट एक्टर्स इसके अलावा इंटरनेट में अगर साइबर एनआर है बहुत जगह पे जैसे ओपन इंटरनेट में साइबर एन सेटअप ही है अभी फिलहाल वहाँ पे एनोनिमिटी इज द बिगेस्ट फीचर इसीलिए आपने देखोगे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चलती है कहीं पे भी अगर ट्विटर पे कोई भी आप नाम रख लो जैसे गब्बर सिंह नाम रख लिया यूज़र नेम गब्बर सिंह और शुरू कर दिया आपने ट्वीट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है अब मैं ये आपको केवल ट्विटर के हिसाब से नहीं बता रहा या फिर सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एनोनिमिटी इस तरह से है कि कई कोई एक यूजर बैठा हुआ है किसी एक देश में जो मेरे यहाँ पे फैसिलिटी स्टॉप कर रहा है जिसने मेरे यहाँ पर साइबर अटैक किया हुआ है राइट तो अब अगर मेरे देश में किसी ने किया है तो पुलिस जाएगी भैया उसको पकड़ लेगी उसके ऊपर धाराएं लगा देंगी उसको जेल में डाल देंगी राइट लेकिन अभी बंदा कहीं और बैठा हुआ है सबसे पहले तो एनोनिमस है उसको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी अगर ढूंढ भी लिया तो एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि उसी बंदे ने किया हुआ है तो वो भी कर दिया राइट से समझ लीजिए आईएसपी उनका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आई होता है एटसेट्रा उससे आइडेंटिफाई भी कर लिया उसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी उसने गुना तो कर दिया क्या वो इंडिया में आके सज़ा पाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स है दीज आर द इशूज आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल डोमेन में साइबर एनार्किकल डोमेन में प्रॉब्लम्स क्या आती है अभी जो एग्जिस्टिंग लॉस है दे आर नॉट सफिशेंट टू डील विद दिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही एक्टर्स एनॉनमिटी एट्रीब्यूशन अकाउंटेबिलिटी और प्लीज नोट दिस डाउन फ्रॉम मेन्स एंसर राइटिंग एटलीस्ट ये की वर्ड्स तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इन द साइबर डोमेन राइट अब इसको अगर रिजॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ वट वट अप्रोच दैट आई कैन फॉलो अभी मैं कौन सा अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ देखिए बेसिकली तीन अप्रोचेस हैं एक तो अप्रोच है भैया छोड़ दीजिए साइबर एनार्किकल सिस्टम है जैसे माइट इज राइट अगर आपके पास ताकत एक क्षमता है तो आप अटैक को रोक लीजिएगा लेकिन हम लोगों ने देखा है साइबर साइबर एनार्की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होती अगेन द ऑफ इनइक्वालिटी और मैं कहूंगा एनार्की को फिर से प्रमोट करेंगे वो जिनके पास ऑलरेडी पावर है दोज हु हैव माइट वो कहेंगे कि इंटरनेट तो ओपन होना चाहिए फ्री होना चाहिए यस लेकिन अगर इक्विटेबल है तो मच बेटर है इसीलिए अगर आप साइबर एनार्किकल मॉडल देखोगे I would say developed countries, not developed countries per se. Predominantly, I would say United States of America would be one which would say ये ठीक है right? क्योंकि power उनके पास है ताकत उनके पास है servers उनके पास है तो वो कहेंगे ठीक है कि open ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं और दूसरा एक model है एक तो हो गया ये model, दूसरा होगा cyber sovereignty वाला model। अब ये model है जो मैंने आपको उदाहरण दिया यहाँ पे China वाला अब this is based on the concept of सोवरेनिटी जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया आई थी सोलह सौ अड़तालीस में ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया आई तब से कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी डेवलप हो गई सोवरिटी डिफाइन हो गई यानी कि अब अगर हमारा देश है तो हमने हमारे देश की सीमा बना दी है फाट एंड माई ड्राॅइंग इंडिया के हम लोगों ने बॉर्डर ड्रॉ कर दिया अब इसी बॉर्डर के बीच हम लोग अपना खुद का साइबर डोमेन सेटअप कर दें अब चाइना ने यही किया हुआ है चाइना ने यही कि चाइना में ट्विटर नहीं चलता उनका खुद का ट्विटर है चाइना में फेसबुक नहीं चलता उनका खुद का फेसबुक है राइट सारी चीज़ें उन्होंने अपनी खुद की बना रखी है ऑफकोर्स अब उनके विशेष से वो कनेक्टेड रह सकते हैं राइट जैसे आपने देखा होगा चाइना के फॉरेन डिप्लोमेट्स भी जब भी हम लोग वुल फॉर ईयर डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो चाइना के डिप्लोमेट्स हैं उनके पास उनका ट्विटर बना हुआ यानी कि दे आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड बट दे डू नॉट वांट पीपल टू बी कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड इसीलिए साइबर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है यानी कि साइबर वर्ल्ड में मैंने कंट्रोल कर दिया क्या चलता है क्या नहीं चलता तो एक तो हो गया ये मॉडल जो कहता है भैया सब कुछ ओपन छोड़ दो एक तो हो गया ये मॉडल जो कहता है कि आप सब कुछ सेटअप करके कर रख दो भीतर ही साइबर सोवरेनिटी जैसे विच इज बेस्ड ऑन द बॉर्डर्स जैसे आपके देश के बॉर्डर है वैसे मैंने अपनी अपने देश में एक साइबर बाउंड्री बना दी है मुझे चाहिए तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मैं अलो भी कर सकता हूँ बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए लेकिन दे डू नॉट अलो बेसिकली दैट मॉडल दो मॉडल अब तीसरा मॉडल है वेयर वी टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर और हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा शुरू की थी आई एम क्वाइट श्योर कि आंसर भी आपने किया होगा साइबर ऑर्डर होना चाहिए सर मुझे लग रहा है ये ठीक होगा और यही मैं कहूंगा इंटरनेशनल नॉर्म भी है इंटरनेशनल नॉर्म्स इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जहां पर हम लोग साइबर डोमेन में साइबर फैसिलिटीज को साइबर एबिलिटीज को अच्छी चीज़ें के लिए ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें राइट दैट्स द बेसिक आइडिया रेस्पॉन्सिबल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लाने की जरूरत है इसे नहीं तो तीन मॉडल्स है एक तरफ है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि द वर्ल्ड ऑफ थ्री इंटरनेट्स एक तरफ है यूएस में कहूंगा इंटरनेशनल नॉर्म्स या फिर ईयू में बेटर रेगुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं और तीसरी तरफ है ये जहां पे सेंसर्ड वर्ल्ड और आज हमारी चर्चा होने वाली है इस डोमेन में कि हमें यहां पे रीच होने में दिक्कत क्यों हो रही है क्योंकि अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल अभी फिलहाल देर आर सम कंट्रीज स्पेशली डेवलप कंट्रीज हु वुड वांट समथिंग लाइक दिस कि साइबर एन हो कंट्रोल बहुत ही कम हो लेकिन कोविड नाइन्टीन के बाद स्पेशली सोवरिटी के ऊपर फिर से ज्यादा फोकस आ चुका है देश अभी इस डोमेन में डिस्कशन चाहते हैं जहां पे दे वांट कंट्रोल ओवर देयर ओन इंटरनेट जैसे अब लोग हम, हम लोग इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा ये कर दी है साइबर थ्रेट्स के चलते साइबर सिक्योरिटी के चलते हम लोग अभी भी आईटी एक्ट 2000 थाउजेंड पर रिलाई करते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स आएंगे ये सारी चीज़ें आएंगी यानी कि सोवरानिटी भी चाहिए बट इंटरनेशनल डोमेन में हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए वी वॉन्ट टू रिमेन ओपन ऑल्सो राइट सो दिस इज द आइडिया दैट वी वॉन्ट टू फॉलो अगेन कीपिंग Sure. So right? अचीव करने में दिक्कत क्या चल रही है अगर हम लोग बात करें करंट फ्रेमवर्क क्या है करंट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है अगर आप मुझे सवाल पूछे कि सर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो इंटरनेट को गवर्न करता है आई वुड से द आंसर इज नो या फिर जो डिजिटल वर्ल्ड को गवर्न करता है डिजिटल वर्ल्ड को रेगुलेट करता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हुए जैसे कि आई टी यू है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है जिन्होंने एक एजेंडा बनाया साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स साइबर सिक्योरिटी एजेंडा उन्होंने बनाया बट अगेन दर इज नथिंग बाइंडिंग राइट ये आपको ध्यान रखना इसीलिए फ्री और ओपन इंटरनेट है मतलब कुछ बाइंडिंग नहीं है इसके अलावा नेटो के खुद के साइबर स्पेस ऑपरेशन है ईयू के खुद के ऑपरेशन बने हुए अलग अलग देश अपने खुद के ऑपरेशन सेंटर बना रहे हैं अगेन दिस वुड बी इन द डोमेन ऑफ दैट सॉरिटी इज सेल्फ की आप सॉबिटी भी चाहते हो और आप ओपननेस भी चाहते हो सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ मैन्यूल्स आ चुके हैं बहुत ही पुराने डॉक्यूमेंट दो हज़ार एक में बुडापिस्ट कन्वेंशन आया था बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन क्राइम्स तो ये एक मैनुअल है अगेन आई वुड से नॉन बाइंडिंग ये बाइंडिंग नहीं है इसके अलावा एन जी ओस मिलकर अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिलकर टैलेंट मैन्यूल्स पब्लिश कर चुके हैं टैलेंट मैनुअल वन पॉइंट वो टैलेंट मैनुअल टू पॉइंट वो जहाँ पे रेस्पॉन्सिबल इंटरनेट बिहेवियर के बारे में बहुत सारे नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन आ चुके हैं अब एक छोटा सा चीज बताइए यह मुझे यहाँ पे दो नाम बताए मैंने एक बुडापेस्ट है एक टालिन है ये कहाँ पे आते हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि थोड़ा सा हम लोग जोग्राफी सिटीज के बारे में तैयारी कर ले बुडापेस्ट कहाँ आता है राइट right? और ये टालिन कहाँ आता है वेर इज टाल तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर सबसे अच्छा तो होगा इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन आए संयुक्त राष्ट्र वुड बी बेटर बॉडी बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र भी इसके ऊपर काम कर रही है जैसे करंट फ्रेमवर्क में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस फॉर डिजारमेंट अफेयर्स है वहाँ पर एक डबल जी ई बना हुआ है ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स जो मैं कहूँगा दो हज़ार पंद्रह से ही इस चीज़ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि कंटेंशियस इशू है यहाँ पर क्योंकि साइबर डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं कोई नहीं चाहता कि कोई रेगुलेशन हो कोई नहीं चाहता कि बाइंडिंग सेटअप यहाँ पे बने राइट तो इसीलिए बहुत सालों से दो हजार उन्नीस में इन्होंने पहली मीटिंग सेटअप की थी इन्होंने फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट की है जनरल असेंबली को दिस इज द रिपोर्ट सैडली आई कुडंट फाइंड दिस रिपोर्ट लिंक पर से लेकिन इसके अलावा ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट के अलावा एक और भी हो ऑफिस ऑफ डिजारमेंट अफेयर्स में एक ओ ई डब्ल्यू जी है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप है जहां पे अलग अलग देश अलग अलग देश यहाँ पे अपनी इनपुट्स दे रहे हैं जैसे यहाँ पे ओपन एंडेड आपको ध्यान रखना है ऑफ कोर्स यहाँ पे नेशंस तो इन्वॉल्व है ही है बिल्कुल देर आर नेशंस बट देर आर एन जी ओस देर आर टेक कंपनीज देर आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जिन्होंने यहाँ पे अपनी इनपुट्स दी है ओवर दिस और इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया है आई वॉज एबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस ताकि इसको देखते हैं और समझते हैं एग्जैक्ट exactly इन्होंने बताया क्या दिस इज द फाइनल सब्सटैटिव रिपोर्ट आई होप कि आप इसको देख सकते हो राइट right? थोड़ा सा नीचे ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन डेवलपमेंट्स इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इन्होंने फाइनल सब्सटैंडिव रिपोर्ट दी फ्रॉम नॉट ऑन दो में रिपोर्ट दी जहां पे क्या बताया गया कि हम लोग आईसीटी में किस तरह की चीजें करेंगे कोविड नाइन्टीन से क्या क्या प्रॉब्लम हुई और इन्होंने बेसिक रिकमेंडेशन दी अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे एवरीवेयर यू विल कीप ऑन फाइंडिंग नॉन बाइंडिंग नॉर्म्स इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट ओई जी ओई ओडब्ल्यू जी वेलकम्स दाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन डेलीगेट कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन यहां पे ये लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि स्टेट शुड डू दिस एग्जिस्टिंग थ्रेट्स को ढूंढ निकाला पोटेंशियल थ्रेट्स को इन्होंने डिफाइन किया लेकिन कहीं पे भी कोई भी बाइंडिंग चीज आपको नहीं मिलेगी कि देश को ये करना है दैट द कंट्रीज केवल 11 पेजेस की रिपोर्ट आप देख सकते हो वॉलंटेरी रूल्स नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन द साइबर डोमेन वॉलन्ट्री नॉन बाइंडिंग नॉर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर तो इससे इंटरनेशनल पीस आ सकती है ये इस तरह की चीज़ें इन्होंने बताई है अगेन अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यर इज यहाँ पर कंसेंसिस बिल्ड करना बहुत टफ हो चुका है बिल्डिंग अ कंसेंसस इज बिकम वेरी टफ यर और एक बहुत ही आइरोनिकल सी बात है अगर हम लोग उस रिपोर्ट की बात करें ओ ई डब्ल्यू सी की रिपोर्ट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज सबमिटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड आई थिंक इट वॉज सबमिटेड इन मार्च और जिस दिन ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके अगले ही दिन रशिया ने साइबर अटैक किया था राइट रशिया ने साइबर अटैक किया और रशिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ओ डब्ल्यू जी इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जी जी ई दोनों का भी भाग था और आयरोनिकली अटैक हुआ था इसे राइट सो so, काफ़ी सैड सी चीज़ है अगर अगर साइबर अटैक किसी ने किया क्या कोई सज़ा मिली दैट्स द बेसिक आइडिया क्योंकि हमें एक फॉर्मेट एक फोरम बनाने की जरूरत है जहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्म्स इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनने की जरूरत है जहां पर एट्रीब्यूशन हो यानी कि कहीं से अगर अटैक हुआ है किसी ने साइबर आर्मी बनाई है किसी ने साइबर अटैक किया है तो उसका डेफिनेशन होना चाहिए व्हाट आर व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स अगर स्टेट ने वॉलेट किया तो क्या सज़ा मिल सकती है स्टेट ने आप स्टेट की तरफ से कोई एक्टर है स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर साइबर क्राइम्स चल रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगी इस तरह की चीज़ें डिफाइन करने की जरूरत है और अभी तक ये नहीं है बट एक चीज तो आप देख सकते हो दैट वी आर एटलीस्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन हम लोग उस दिशा में मूव हो रहे हैं जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन हो गया टैलेंट मैन्यूल हो गया उसके बाद संयुक्त राष्ट्र भी इन्वॉल्व है तो फ्यूचर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉट कैन वी एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र में एक अलग बॉडी बन सकती है या फिर बनाई जा सकती है प्योरली फॉर साइबर डोमेन जैसे कि अब डब्ल्यू एच ओ है ऑर्गेनाइजेशन है

जैसे हम लोग हमेशा जिनीवा कन्वेंशन की बात करते हैं जिनीवा वेरी इंपॉर्टेंट सिटी राइट जहाँ पे बहुत सारे कन्वेंशन जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया था डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन की जरूरत है लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है इनफैक्ट इसमें इन्होंने आर्ग्यू भी किया था कि अगर इंटरनेशनल स्तर पे कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए तो इट विल बी बेटर फॉर द यूजर्स हमारे लिए इट विल बी बेटर फॉर द नेशंस इट विल आल्सो बी बेटर फॉर द एम एनसी स्पेशली द क्लीन कंपनीज बिग टेक अगर क्लीन पॉलिसीज़ फॉलो करेंगी तो सभी के लिए ये भी अच्छा रहेगा इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो ये बताया था लेकिन ये हुआ नहीं आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट जरूर हो राइट आई होप कि आपने अपना जवाब ढूंढ लिया साइबर इनार की और साइबर ऑर्डर अगर साइबर ऑर्डर चाहिए तो और कुछ साल हमें वेट करने की जरूरत है राइट वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर ईयर्स ताकि एक कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन और भी क्लियर हो जाए लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम अ मैक्रो लेवल पिछले कुछ सालों में स्पेशली मैं कहूँगा कोविड 19 के बाद राइट right? देश अभी साइबर सोवरानिटी कम इंटरनेशनल नॉर्म्स का एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर देश ये चाहता है कि हम अपने डेटा को सिक्योर रखें क्योंकि डेटा में बहुत ज्यादा इन आ चुकी है आपने देखा है कि बड़े बड़े देश स्पेशली डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो फायदा उठा रही है ऑफ़ दी सो कॉल्ड लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डेटा इसीलिए साइबर सोवरानिटी कम इंटरनेशनल नॉर्म्स इन दोनों का एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही है डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज दी इंटरनेशनल ऑर्गेइजेशन लेट्स वेट एंड वॉच क्या होगा जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दिस फॉर श्योर आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर यू एंड आई ओपनिंग डिस्कशन for you if any update comes on this we'll discuss again that's it from my side right now thank you for watching this video or dhyan rakhna hai ki before we go agar aap upsc civil Services ki preparation kar rahe hain then do go to our website to get details of the foundation batch ye aapke liye sabse ideal solution rahega अगर आप 2024 की Civil Services examination की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि course शुरू हो रहा है 30 November को right? 30 नवंबर यानी कि आपकी एग्जाम कब होगी 2024 में मई जून में तो ऑलमोस्ट डेढ़ साल आपके पास रहेगा जहां पे आप प्रिलिम्स के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर रहोगे मेंस के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर रहोगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हो रहे क्योंकि हमारे पास वन टू वन मेंटरशिप है क्योंकि हमारे पास ग्रुप मेंटरशिप है और ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा एट एटी और इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आपको पाना है यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइफ राइट सो डू नॉट फोकेट डू दिस जस्ट गो टू अवर वेबसाइट या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल